हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रिंस के ब्लॉग। गाइज, फाइनली अभी हम आ चुके हैं मुंबई के कोलाबा इलाके में, और आज की इस वीडियो में हम आप सभी लोगों को दिखाने वाले हैं रतन टाटा जी का पुराना वाला घर। दोस्तों, जो नया वाला घर है उनका ना, वो तो 2015 में बना था, उसकी भी वीडियो हम दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले वो किस घर में रहते थे, वो बंगलो, वो बहुत ही बढ़िया और बहुत ही महंगी बिल्डिंग है, उसका नज़ारा आज की इस वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं। तो आप लोग ना इस वीडियो में पूरा लास्ट तक बने रहिएगा। अभी हम सागर उपवन, जो यहाँ पर पार्क है, उसमें उपस्थित हैं। तो फाइनली गाइज, जिस गली में हम लोग जा रहे हैं ना, सीधे आपको बिल्डिंग दिखाई दे रही है, वही रतन टाटा जी का पुराना घर है। अभी हम आपको करीब से चल के पूरा जूम करके अच्छे से दिखाते हैं और इसका एड्रेस भी बताएंगे। तो आप लोग जो ये बिल्डिंग देख रहे हैं ना, इसी बिल्डिंग में पहले रतन टाटा जी रहते थे, और इस बिल्डिंग में उनका 3 से 4 फ्लैट है। सबसे टॉप फ्लोर से लेकर 4 फ्लोर जो है ना, वो रतन टाटा जी का ही है। और रतन टाटा जी अपने नए बंगले से पहले इसी बिल्डिंग में रहते थे। ये बिल्डिंग मुंबई के कोलाबा में स्थित है, और इस बिल्डिंग का नाम है बख्तावर, और यहाँ पर सभी को जाना अलाउड नहीं है। देख सकते हैं आप लोग, सामने से यही रास्ता आता है। और हम आपको बता दें, जो नया इनका बंगलो बना है, घर बना है ना, वो जस्ट इसी के बाजू में अरब सागर के किनारे बना है। बहुत ही जल्द हम आपको उनके नए वाले बंगले का वीडियो भी दिखाएंगे। दोस्तों, रतन टाटा जी का जन्म 28 दिसंबर 1937 को भारत के मुंबई में हुआ था, और तब ब्रिटिश राज्य था। ये रतन टाटा नवल जी के बेटे हैं, जिनका जन्म सूरत में हुआ था। आपको बता दें, जब रतन टाटा जी 10 साल के थे और इनके छोटे भाई जिमी टाटा जी 7 साल के थे, तभी इनके माता पिता नवल जी टाटा और सोनू टाटा जी का 1940 के दशक में एक दूसरे से मतलब अलग हो गए लोग। उसके बाद इनका पालन पोषण इनकी नानी नवजबाई जी ने किया, यानी इनको गोद ले ली वो। दोस्तों, रतन टाटा जी एक प्रसिद्ध भारतीय उद्योगपति और टाटा सन्स के सेवा मुक्त चेयरमैन है। वे सन 1991 से लेकर 2012 तक टाटा ग्रुप के अध्यक्ष रहे। 28 दिसंबर 2012 को उन्होंने टाटा ग्रुप के अध्यक्ष पद को छोड़ दिया, लेकिन वे अभी भी टाटा समूह के चैरिटेबल ट्रस्ट के अध्यक्ष बने हुए हैं। वह टाटा ग्रुप के सभी प्रमुख कंपनियों जैसे टाटा स्टील, टाटा मोटर्स, टाटा पावर, टाटा टी, टाटा केमिकल्स, इंडियन होटल्स और टाटा टेली सर्विसेज के भी अध्यक्ष रह चुके थे। उनके नेतृत्व में टाटा ग्रुप ने नई ऊंचाइयां छुआ है, और समूह का राजस्व भी कई गुना बढ़ा है। आपको बता दें, टाटा समूह में जितना भी मुनाफा होता है ना, उसका 65 से 70% गरीबों को दान दे दिया जाता है। दोस्तों, रतन टाटा जी की अगुवाई में टाटा समूह ने दुनिया भर में कंपनियां खरीदी हैं। इनमें टेटली, जगुआर, लैंड रोवर और कोरस जो कंपनी है, वो प्रमुख है। रतन टाटा जी को पद्म विभूषण और पद्म भूषण अवार्ड से नवाजा गया है। और आपको बता दें कि रतन टाटा जी ना बहुत ही अच्छे स्वभाव के आदमी है, और वो अपनी ज़्यादा सैलरी गरीबों में हमेशा दान करते रहते हैं। उनका टोटल अगर नेटवर्थ की बात करें तो इनके पास 8,210 करोड़ का टोटल नेटवर्थ है, और ये मंथली 90 करोड़ से ज़्यादा की कमाई करते हैं। रतन टाटा जी ने असम वैभव और महाराष्ट्र भूषण जैसे अवार्ड से भी नवाजे जा चुके हैं। तो दोस्तों, आप लोग जो ये बिल्डिंग देख रहे हैं ना, इसी बिल्डिंग में पहले हमारे रतन टाटा जी रहा करते थे, और अभी शायद ये चारों जो फ्लैट है ना, इसको किराए पर दिए हुए हैं। और जस्ट इसके बगल में ही उनका नया वाला बंगलो बन चुका है, जिसकी प्राइस 150 करोड़ है, और वो 3 मंजिला इमारत है। जल्द ही आपको उसका भी ब्लॉग मिलेगा, आज ही मिलेगा शाम तक। तो आप, उम्मीद करूंगा आपको यह ब्लॉग, ये वीडियो पसंद आई होगी। तो जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।